डेस्कटॉप वाले हैं। सो वेल गाइस, बहुत हुआ लैपटॉप का अनबॉक्सिंग, सोचा चैनल में कुछ यूनिक किया जाए। सो बस आज लेके आ गए हैं डेल इंस्पिरॉन 3910 डेस्कटॉप। तो बस यार डब्बा खोलन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बाकी एक्सेसरीज बाद में, पहले हमारा मेन माल दिखाएंगे। सो वेल गाइस, ये है हमारा मेन माल डेल इंस्पिरॉन 3910 का डेस्कटॉप। रखते हैं इसको साइड में। आज जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो 180 वाट के PSU के साथ आता है। तो ये है उसका पावर कॉर्ड, एक डेल का M116 वही बेसिक सा माउस जो अराउंड 300-400 रुपए का आता है, कुछ यूजर मैनुअल दिए गए हैं और एक वही डेल का टिपिकल सा मोस्ट सेलिंग कीबोर्ड दैट इज KB216। काफी अच्छा कीबोर्ड है, मोस्ट सेलिंग भी है। जब भी हम ब्रांडेड डेस्कटॉप लेते हैं तो उसके साथ मॉनिटर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेल का E2222H वाला मॉनिटर देखने को मिलता है 22 इंच के साथ। तो कर लेते हैं ये मॉनिटर का अनबॉक्सिंग। सेटअप इंस्ट्रक्शन, सुरक्षा और रेगुलेटरी निर्देश यहाँ पर दिया गया है। ये एक पर्टिकुलर एंगल दिया गया है टू फिक्स योर मॉनिटर। ये मॉनिटर का बेस है और ये कवर है। एंड ये है हमारा डेल का 22 इंच का मॉनिटर। काफी ज्यादा हल्का लग रहा है यार, डिजाइन तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्रीमियम डिजाइन है, जस्ट लाइक ऑफिस डेस्कटॉप या घर के लिए जो ऑल इन वन PC लेते हैं उसी की तरह है। सो फटाफट सेटअप कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली वी सेटअप डेल इंस्पिरॉन 3910 डेस्कटॉप। सो ये डेस्कटॉप हमें प्रोवाइड किया है डेल एक्सक्लूसिव स्टोर A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर यार। वहां पर सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। सो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप टेक टर्मिनल्स का रेफरेंस देना बिल्कुल मत भूलिए फॉर द मेजर डिस्काउंट। सो सर्वप्रथम यार ये CPU की सुंदरता देख लेते हैं। ब्लैक एंड ब्लू मैश के साथ ये फ्रंट पोर्शन वाला डिजाइन आता है। डेल की ब्रांडिंग दी गई है एंड i3 की लेबलिंग दी गई है इन द फॉर्म ऑफ स्टीकर। एंड CPU का एक बात अच्छा लगता है, पूरा ये मेटल चेजेस के साथ आता है एक्सेप्ट द फ्रंट पोर्शन। ओवरऑल डेल इंस्पिरॉन 3910 को बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। फ्रंट पोर्शन में ये वाले जगह एंड ये वाले जगह में आपको वेंट देखने को मिलता है, यहाँ से एयर रिलीज होगा मीन्स हवा पास होगा। एंड बैक पोर्शन में भी आपको बड़े बड़े वेंट्स देखने को मिलते हैं। और CPU में नॉर्मल ही यार, CPU में सभी तरफ आपको वेंट्स देखने को मिलते हैं ताकि प्रॉपर कूलिंग मेंटेन रहे। एंड टॉप पोर्शन में आपको इंस्पिरॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बैक पोर्शन में भी यहाँ पर इंस्पिरॉन 3910 लिखा गया है। फर्स्ट नंबर में आपको लाइन आउट का पोर्ट दिया गया है, सेकंड में HDMI 1.4। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, डेल इंस्पिरॉन 3910 में आप सिर्फ फुल HD 60Hz तक का ही डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। यहाँ पर कोई भी 2K या 4K सपोर्टेबल नहीं है वाया द HDMI 1.4 एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.4। थर्ड में आपको डिस्प्ले 1.4 का पोर्ट दिया गया है, यहाँ से आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर आपको USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट दिया गया है, इसका 5 GB/s का डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा। एंड आपको फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर में आपको नॉर्मल USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है, जिसका वही 500 MBPS डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। सिक्स नंबर में इथरनेट पोर्ट दिया गया है, यहाँ से आप बिल्कुल हाई स्पीड इंटरनेट चला पाएंगे। सातवां नंबर में आपको पावर सप्लाई यूनिट देखने को मिलता है, यहाँ से CPU को पावर मिलेगा। एंड पावर सप्लाई यूनिट को हम PSU भी बोलते हैं। आठवां नंबर में आपको कैंसिंगटन लॉक देखने को मिलता है, जस्ट लाइक आपके लैपटॉप को थेफ्ट से बचाना है और बिल्कुल टेबल में बांध के रखना है, देन कैंसिंगटन लॉक यूज होता है। ऑफिस का सारा डेटा तो CPU में है, मॉनिटर सिर्फ चोरी हुआ है। एक आपको पावर बटन देखने को मिलता है, जस्ट उसके नीचे मल्टी फॉर्मेट HD कार्ड रीडर स्लॉट। एक आपको हेडफोन ऑब्जेक्ट माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलता है। अगेन आपको USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिलता है, वही 500 MBPS का डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। एक आपको USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट भी दिया गया है, इससे डिस्प्ले पोर्ट सपोर्टेबल नहीं है, ओनली आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे एंड द स्पीड इज 5 GBPS। अगेन आपको एक USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट देखने को मिलता है, जिसका डेटा ट्रांसफर रेट है 5 GBPS। 5 minutes later। सो फाइनली हमारा CPU स्टार्ट हो चुका है एंड मॉनिटर भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और बूटिंग टाइम आप खुद ही देखें, 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा है, बिल्कुल वक्त ही नहीं लेता बूट होने में।
लेट्स हैव अ लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीपीयू। यहाँ पर आपको इंटेल का लेटेस्ट i3 12th gen i3 1-100 सीपीयू देखने मिलता है। रिसेंटली मैंने i3 12th gen के लैपटॉप रिव्यू किया था, वहाँ पर आपको इफिशियंट कोर एंड परफॉर्मेंस कोर दोनों देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 3.3 GHz का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड 4.3 GHz का मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। एंड ये जो प्रोसेसर है उसका बेस पावर है 60 वॉट एंड मैक्सिमम टर्बो पावर इज 89 वॉट। यहाँ पर 8GB DDR4 3200 MHz का सिंगल चैनल रैम दिया गया है। रैम के ये डेस्कटॉप में टोटल 2 स्लॉट्स प्रेजेंट हैं। मैक्सिमम आप ये डेस्कटॉप में 64GB तक रैम लगा पाएंगे। यहाँ पर आपको 3.5 इंच का 7200 RPM वाला 1TB का SSD दिया गया है। Seagate ब्रांड का SSD है एंड लिटरली यार जो 7200 RPM वाला SSD रहता है इज वे फास्टर देन 5200 RPM SSD। 256GB PCIe NVMe M.2 Gen 3 SSD दिया गया है। SSD के डेस्कटॉप में एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो रिप्लेस करके मैक्सिमम 2TB तक SSD ये डेस्कटॉप में लगा पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दिस लैपटॉप है Wi-Fi 6 एंड इंटरनेट स्पीड काफ़ी डिसेंट है एज पर माई प्लान। ग्राफिक्स के मामले में ये डेस्कटॉप में आपको इंटेल USD 730 ग्राफिक्स दिया गया है। टोटल 300 MHz का इसका GPU बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एंड मैक्स डायनेमिक फ्रीक्वेंसी 1.4 GHz। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिला, आप गेमिंग पार्ट में देख पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम Dell Inspiron 3910 कम्स विद द विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये डेस्कटॉप में आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफटाइम लाइसेंस भी देखने को मिल जाता है। सो जैसे आपने देखा यहाँ पर इंटेल का लेटेस्ट 12th gen i3-12100 का प्रोसेसर दिया गया है, तो बेंचमार्क देखना तो बनता है। और आप समझ ही गए होंगे ये CPU क्यों पावरफुल है, क्योंकि इसमें चार परफॉर्मेंस कोर है। पहले हम रिव्यू किए थे जो परफॉर्मेंस कोर रहता था, इफिशियंट कोर रहता था, लेकिन भैया इंटेल वाले यहाँ पर सीधा 4 पावरफुल कोर डाल के दे दिया है, जिससे परफॉर्मेंस एकदम ताबड़तोड़ हो गया है। सो फर्स्ट बेंचमार्क मैंने टेस्ट किया वो है Cinebench R23 जो CPU का रेंडरिंग परफॉर्मेंस बताता है। यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर निकल गया 1617 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर स्कोर इज 8335 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमने Geekbench 5 टेस्ट किया, 1568 का सिंगल कोर स्कोर एंड 4981 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला। देन यहाँ पर मैंने 3D Mark 10 का भी बेंचमार्क रन किया जो CPU और GPU को मिला के एक स्कोर प्रोवाइड करता है, दैट इज टाइम स्पाई स्कोर। यहाँ पर स्कोर निकल गया 6110, दैट इज टू लो यार, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफिक्स है उतना भी पावरफुल नहीं है। यहाँ पर CPU स्कोर देखने को मिला 4010 एंड द ग्राफिक्स स्कोर इज 531। PC Mark 10 यहाँ पर सभी चीज़ कंप्यूट कर लेता है जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, लाइक मल्टीटास्किंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर स्कोर निकल गया 4730, इस पर द बेंचमार्क ठीक ठाक से स्कोर है i3 12th gen के हिसाब से। 5000 स्कोर को अच्छा माना जाता है, लेकिन आसपास ही है तो आराम से यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग, डिजिटल क्रिएशन, फोटो एडिटिंग वगैरह आराम से लैपटॉप में कर पाएंगे। देन मैंने SSD का रीड एंड राइट स्पीड चेक किया, 3356 MBPS का रीड स्पीड देखने को मिला एंड द राइट स्पीड इज 1816 MBPS। सो गेमिंग टेस्ट हम कैसे छोड़ सकते हैं, डेस्कटॉप है, गेमिंग करने का ही तो मेन मजा है डेस्कटॉप में। लैपटॉप वगैरह तो ऐसे ही होते हैं गेमिंग के लिए, लेकिन जितने भी मेन गेमर्स हैं वो डेस्कटॉप ही यूज़ करते हैं। सो इसमें हम फर्स्ट गेम प्ले करने वाले हैं GTA 5। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फुल HD रिजोल्यूशन है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, VSync मैंने ऑफ करके रखा है एंड सभी यहाँ पर नॉर्मल लेवल में है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर अराउंड 24-30 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है। एंड यही अगर हम लैपटॉप में प्ले करते ना यार, तो एकदम बेकार FPS देखने को मिलता है, अराउंड 11-12। तो यही डिफरेंस रहता है डेस्कटॉप और लैपटॉप का। डेस्कटॉप में क्या है, TDP ज़्यादा रहता है, 55 वॉट का आई थिंक TDP है। दैट्स वाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेरे को ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है डेस्कटॉप में एंड आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। एंड यहाँ पर CPU टेम्परेचर मैक्सिमम रेज हो रहा है वही 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंड GTA इज GTA इंटेंसिव गेम, दैट्स वाई आप देख पा रहे होंगे GPU का यहाँ पर 100% यूज़ हो रहा है। एंड यहाँ पर CPU का TDP मैक्स जा रहा है 40 वॉट के आसपास एंड रैम का भरपूर यूजेस होगा। अगर यही लैपटॉप में आप 16GB रैम कर लेंगे तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, आराम से 40-45 FPS देखने को मिलेगा इन फुल HD रिजोल्यूशन। एंड यहाँ पर आपको इंटेल का USD 730 का GPU देखने को मिलता है, तो वो शेयर्ड GPU मेमोरी है, जितना ज़्यादा आपका रैम रहेगा उतना ज़्यादा आपको शेयर्ड GPU मेमोरी देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर मेरे को कोई भी थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिल रहा है, लाइक लैपटॉप में क्या होता है थोड़ा सा हीटिंग होता है, थ्रॉटल होना चालू हो जाता है एंड FPS एकदम ही ज़्यादा ड्रॉप होता है, लेकिन ये डेस्कटॉप है यार, तो यहाँ पर आपको कोई भी थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉन्स्टेंटली FPS मेंटेन है 25-30 FPS।
सो ऐसा नहीं है कि आप डेस्कटॉप में बिना डेडिकेटेड जीपीयू के गेमिंग नहीं कर पाएंगे, आराम से गेमिंग कर सकते हैं, कैजुअली कर सकते हैं। लाइक घर वाले आपको कहाँ गेमिंग सीपीयू प्रोवाइड करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है तो चुपके से आप यहाँ पर गेम डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा मत खेलिएगा, ओनली फॉर शॉर्टर पीरियड। सो वेल गाइस, कर लेते हैं डेस्कटॉप में वीडियो एडिटिंग टेस्ट इन एडोबी प्रीमियर प्रो। इंडस्ट्री सर्टिफाइड ये सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है, आप सभी जानते हैं। सो देखते हैं कितने प्रिसाइसली यहाँ पर एडिट हो पाते हैं, टाइमलाइन कितने स्मूथ वर्क करता है इन i3-1-100। सो टाइमलाइन प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, कुछ कट्स वगैरह लगाते हैं। सो टोटल 1 मिनट 3 सेकंड का फुटेज है, इसको हम 4K 30fps में रेंडर करते हैं, हाई क्वालिटी 4K। ओके, सो यहाँ पर 1 मिनट 3 सेकंड का 4K 30fps का फाइल को 4K 30fps में ही रेंडर करने में अराउंड 1 मिनट के आसपास टाइम लगा है। तो ओवरऑल रेंडरिंग स्पीड ठीक है, यहाँ पर आप आराम से फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे इन बटर स्मूथ। और 4K भी करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, 1 से 2 लेयर वाला, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग ये डेस्कटॉप आराम से करा देगा। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए देन यू कैन ऐड डेडिकेटेड GPU एक्सटर्नली। ये डेस्कटॉप में डेडिकेटेड GPU सपोर्टेबल है, क्योंकि यही तो फायदा है ना डेस्कटॉप का। सो वेल गाइस, कर लेते हैं डेस्कटॉप में ऑटोकैड टेस्ट। बहुत लोग ऐसे पर्सन रहते हैं जिनको ऑटोकैड वगैरह यूज़ करना रहता है, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं। सो उस परस्पेक्टिव से ऑटोकैड वर्क हो पाता है कि नहीं देख लेते हैं। सो देख लेते हैं ऑटोकैड 2023 कितने अच्छे से वर्क करता है। सो यहाँ पर ऑटोकैड तो स्मूथली वर्क कर रहा है। इवन मेरे कॉलेज में भी इंटेल का कोर i3 7th या 6th जनरेशन था, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। तो डेस्कटॉप है, आराम से सब वर्क आराम से आपको करा देगा, सच कोई भी इशू नहीं आएगा। और वही अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं रहता कि ये सब हैंडल कर पाए। जितने भी यहाँ पर बेसिक 2D लेवल का ऑटोकैड का वर्क है आप आराम से कर पाएंगे। हो सकता है 3D में आपको लैग देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर GPU का यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन 2D वाले वर्क में मेरे को सच कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। सो ओपन करते हैं CPU का कैबिनेट, देखते हैं अंदर क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल है। ये हमारा 180 वॉट का PSU, यहाँ पर 7200 RPM का 3.5 इंच का 1 TB का HDD दिया गया है। एक छोटा सा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है 256 GB का NVMe M.2 SSD। ओके, ये वाला। एंड यहाँ पर यार एक ड्रॉबैक है, SSD के 21 स्लॉट प्रेजेंट है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको रिप्लेस करके यहाँ से अपग्रेड करना होगा। रैम के टोटल 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। एंड ये PCIe X16 का पोर्ट है, यहाँ से आप GPU लगा सकते हैं। एंड ये PCIe X1 का पोर्ट है, यहाँ से आप नेटवर्क एक्सपांसन के लिए यूज़ कर पाएंगे। एंड ये हमारा CMOS बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी है, यही पूरा डेटा मेंटेन करके रखता है। लाइक जो CPU का टाइमिंग वगैरह मेंटेन रहता है, वो ये हमेशा ये जागता रहता है। और देखो SATA के यहाँ पर बहुत से स्लॉट्स प्रेजेंट है, लाइक ये वाला SATA का एक खाली है, इसके बाद एक लगा हुआ है, एंड एक आपको और SATA का यहाँ पर पोर्ट खाली देखने को मिलता है। सो टोटल ये CPU में आपको 3 SATA के पोर्ट दिया गया है। सो ये है डेल का E2222H मॉनिटर, यहाँ पर सिर्फ VGA इनपुट एंड डिस्प्ले पोर्ट इनपुट का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले के कुछ और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED बैकलिट LCD मॉनिटर का टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। टोटल 16.7 मिलियन कलर्स है एंड द रिस्पॉन्स टाइम इज 10 मिलीसेकंड फॉर ग्रे टू ग्रे नॉर्मल एंड 5 मिलीसेकंड फ्रॉम ग्रे टू ग्रे फास्ट। एंड यहाँ पर आपको 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल देखने को मिलता है एंड द बैकलिट टेक्नोलॉजी इज LED बैकलिट। VA पैनल में क्या होता है, आपको कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है, थोड़ा आप साइड से देखेंगे तो कलर शिफ्ट होता है, लेकिन एज सच उतना भी बेकार डिस्प्ले नहीं है यार। 50,000 में एक परफेक्ट पैकेज है, आप आराम से मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक लिसनिंग कर सकते हैं एंड आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहेगा। एंड कलर गैमट वही 45% NTSC है, देख सकते हैं उतने भी एक्यूरेट कलर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एज पर द प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सभी टेस्ट ये डेस्कटॉप में कर लिया। डेल इंस्पिरॉन 3910 करेंटली 53,000 के आसपास अवेलेबल है विथ 256 GB SSD एंड 1 TB HDD वेरियंट। इसके बहुत से वेरियंट्स आते हैं यार, एक i5 प्रोसेसर के साथ भी देखने को मिल जाएगा। i5 में आपको i5-12400 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहाँ पर टोटल 6 कोर और 12 थ्रेड रहेगा। वही आप i7 के साथ लेंगे तो आपको i7-12700 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वहाँ पर 12 कोर और 20 थ्रेड रहेगा। तो समझ रहे हो क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। i5 वाला यहाँ पर प्राइसिंग निकल के आ रहा है अराउंड 65,000
और वही आप i7 के साथ जाते हैं तो आपको 90,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा विद द मॉनिटर। सो यहाँ पर जो ओवरऑल कॉम्बो आया है प्राइस ऑफ 50,000 इज जस्ट ग्रेट। और डेस्कटॉप के बहुत से फायदा रहते हैं कंपेयरिंग विद द लैपटॉप। फर्स्ट थिंग, डेस्कटॉप थोड़ा आपको सस्ता देखने को मिलेगा, 50,000 में ही सब चीज़ आ जा रहा है और पावर ज़्यादा रहता है। लाइक ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, दैट्स वाई ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और पावर कंज्यूम करेगा तो परफॉर्मेंस तो देगा। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। आपने देखा कि यहाँ पर 3 SSD आप लगा सकते हैं, SSD भी अपग्रेड कर पाएंगे, एंड यहाँ पर आप ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं। और वही लैपटॉप में क्या रहता है, आप अलग से डेडिकेटेड GPU नहीं लगा पाएंगे। अगर मदरबोर्ड में पहले से आ रहा है तब ओके, अदरवाइज लैपटॉप में कोई चारा नहीं है। और आप एक्सटर्नल GPU लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है। सो उस हिसाब से डेस्कटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो मैं डेस्कटॉप उन लोग को रिकमेंड करूंगा जो पोर्टेबिलिटी नहीं चाहते, जिनको घर के लिए कंप्यूटर चाहिए, अपने ऑफिस पर्पस के लिए कंप्यूटर चाहिए, देन उस पर्सपेक्टिव से डेस्कटॉप इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसके जो मदरबोर्ड क्वालिटी रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जो चिपसेट यूज होते हैं इन द CPU इज लाइक ऑसम यार, उससे परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आता है एंड अपग्रेड्स भी आप इजीली कर पाएंगे। एंड 64GB का रैम सपोर्टेड है, SSD सपोर्टेड है, और क्या ही चाहिए आपको ये प्राइस पॉइंट में। सो डेफिनेटली आप ये डेल के इंस्पिरॉन 3910 डेस्कटॉप के साथ जा सकते हैं। सो अगर आपको डेल इंस्पिरॉन 3910 डेस्कटॉप का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।